हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं लूज मोशंस की प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हम लोग जनरल भाषा में जो है दस्त भी बोलते हैं या डायरिया भी बोलते हैं। जो छोटे बेबीज होते हैं उनमें लूज मोशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कॉमन है। तो अगर बच्चे को लूज मोशन हो जाए तो हम क्या करें, उसके लिए मैं आज कुछ होम रेमेडीज आप लोगों को बताऊंगी और इसके साथ ये भी बताऊंगी कि लूज मोशंस होने के जो है रीजंस क्या है, क्यों जो है छोटे बच्चे में जो है लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए आज इन सभी के बारे में बात करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लूज मोशन होने के जो तीन मेन रीजन है, जिसमें पहला रीजन है कि जब बेबी जो है 6 मंथ्स का हो जाता है तो हम उसके बाद बेबी को कुछ सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हो सकता है कि बच्चे को जो है किसी फूड से एलर्जी हो गई हो तो उसके कारण भी इन्फेक्शन होगा और बच्चे को जो है लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि हम कई तरीके के जो है वेजिटेबल्स या बहुत तरीके के फूड्स को एक साथ मिक्स करके बच्चों को दे देते हैं, जिसके कारण भी जो है बच्चों को एलर्जी हो सकता है फूड से और उसके कारण भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है और लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये दूसरा रीजन है कि जब बेबीज के दांत आने वाले होते हैं तो बच्चे जो है किसी भी चीज को उठाकर जो है मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे का हर कुछ जो है काटने का मन करता रहता है। तो बच्चे जो है किसी भी चीज को उठाकर मुंह में डाल देते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे ने अगर किसी गंदी चीज को उठाकर मुंह में डाल दिया तो उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है और बच्चे को जो है लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो तीसरा रीजन है वो है पानी कंटामिनेटेड होने की वजह से भी जो है बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जनरली मानसून के टाइम में जो है पानी बहुत जल्दी कंटामिनेटेड हो जाता है, तो इसीलिए मानसून के टाइम में जो है बच्चे को जो है आप बॉइल्ड वाटर ही दें। जब भी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दें तो उसे अच्छे तरीके से पानी को बॉइल करें और उसके बाद ही फॉर्मूला मिल्क जो है बच्चे को आप दें, क्योंकि पानी के कंटामिनेशन होने की वजह से भी जो है बच्चों में लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे जो ये तीन रीजंस मैंने बताए, ये मेन तीन रीजन है जिसके कारण जो है बच्चों में जो है लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। अब अगर बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली होम रेमेडी है वो है ORS घोल। ORS जो है वो बहुत पुराना जो है चला आ रहा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और इसे जो है लूज मोशन के टाइम में यूज किया जाता है। डॉक्टर भी जो आप डॉक्टर के पास जब इस लूज मोशन की प्रॉब्लम को लेकर जाएंगे तो वो आपको भी जो है ORS घोल बच्चे को देने के लिए कहेंगे। बेसिकली ORS घोल एक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जो एक नमक पानी का घोल होता है। तो आप बच्चे को ORS घोल दे सकते हैं। जो ORS घोल होता है वो क्या करता है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी को जो है पूरा करता है, क्योंकि लूज मोशन जब बच्चे को होता है तो शरीर से इतना ज्यादा पानी निकल जाता है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो है ORS घोल दिया जाता है। ORS घोल जो है आप बच्चे को जो है टाइम टू टाइम देते रहें और ये आपको कहीं भी किसी भी केमिस्ट शॉप में आराम से मिल जाएगा। आप चाहे तो ORS जो है घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली 1 लीटर जो है पानी ले लें, उसे अच्छे से बॉईल कर दें, फिर उसको ठंडा कर दें और उसमें जो है 6 चम्मच आप चीनी डाल दें, 1/2 चम्मच नमक डाल दें और इसको तब तक मिलाएं जब तक ये दोनों चीजें जो है अच्छी तरीके से नहीं मिल जाए, और उसके बाद बच्चे को जो है समय समय पर दें। इससे बच्चे हाइड्रेटेड रहते हैं, बच्चे के शरीर में जो लूज मोशन की वजह से पानी की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो आप ORS घोल बच्चे को जरूर दें। जो दूसरी चीज आप कर सकते हैं वो है केला। इस टाइम जो है आप बच्चे को केला इंट्रोड्यूस करें। जनरली सभी बच्चे को जो है केला बहुत ज्यादा पसंद होता है और केला जो है एक ऐसा फ्रूट है जो लगभग हर सीजन में मिलता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। तो आप बच्चे को केला दे सकते हैं। आप केला को जो है मैश करके दे सकते हैं, अगर आपका बेबी छोटा है तो आप केला को जो है मैश करके दे सकते हैं। केला में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बच्चे हाइड्रेटेड फील करते हैं। तो आप केला बच्चे को जरूर दें। केला जो है लूज मोशंस को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है और केले से जो है बच्चे को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और इस टाइम में बच्चे को जो है एनर्जी का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी शरीर से निकल जाता है कि बच्चे काफी वीक फील करते हैं इस टाइम में। तो आप बच्चे को केला दे सकते हैं। जो तीसरी चीज आप दे सकते हैं वो है घर का जमा हुआ दही। घर का जमा हुआ दही जो है आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन आप याद रखें जब भी आप बच्चे को दही दें तो या तो आप बच्चे को मॉर्निंग के टाइम में दें या फिर आप दोपहर के टाइम में दें। शाम को या फिर रात को आप बच्चे को दही नहीं दें, उससे बच्चे को जो है सर्दी या फिर खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। जो दही होता है उसमें एक प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक कहने का मतलब हो गया कि प्रोबायोटिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो है अच्छे बैक्टीरिया को पनपने देता है, जो पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और ये लूज मोशंस को जो है कंट्रोल करता है।
तो आप बच्चे को दही जरूर दें। दही को आप बहुत तरीके से दे सकते हैं, आप बच्चे को चावल दही दे सकते हैं, या फिर आप दही को जो है भुने हुए जीरा पाउडर के साथ बच्चे को दे सकते हैं, या फिर दही में एक चुटकी नमक डाल करके दे सकते हैं, या फिर आप दही को जो है गुड़ के साथ थोड़ा मिला करके बच्चे को दे सकते हैं, जिससे दही थोड़ी मीठी हो जाएगी। यानी इस तरीके से आप बच्चे को दही दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है लूज मोशन को कंट्रोल करने में। जो तीसरी टिप है वो ये है साबुदाना पानी। साबुदाना पानी जो है बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है इसे यूज करते आए हैं। साबुदाना पानी से क्या है कि बच्चों को एनर्जी तो मिलती है, बच्चे काफी हाइड्रेट भी फील करते हैं। तो साबुदाना पानी बनाने के लिए सिंपली आपको क्या है, साबुदाने को एक घंटे तक जो है अच्छे से भिगो करके रख देना है, और उसके बाद जो है 1 लीटर पानी में जो है साबुदाना को डाल दें, और उसको तब तक गलाएं जब तक अच्छे से साबुदाना जो है उस पानी में घुल नहीं जाए, और उसके बाद उस पानी को जो है बच्चे को दें। अगर आप बच्चे को ये साबुदाना पानी देते हैं तो बच्चे को इससे काफी एनर्जी मिलती है, बच्चा जो है बहुत हाइड्रेटेड फील करता है। तो आप बच्चे को जो है साबुदाना पानी दे सकते हैं। जो अगली चीज है वो है बॉइल्ड पोटैटोज। इस टाइम जो है आप बच्चे को बॉइल्ड पोटैटोज दे सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटो को आप मैश करके दे दें, उसमें हल्का सा नमक मिलाकर दे दें, या फिर उसमें आप जीरा पाउडर मिलाकर दे सकते हैं, या फिर आप चावल जो है गीला चावल और मैश पोटैटो जो बॉइल्ड पोटैटो उसको मैश करके आप बच्चे को दे सकते हैं। यानी आप बहुत सारे तरीके से जो है बच्चे को जो है इस तरीके से पोटैटो दे सकते हैं। पोटैटो में चूंकि स्टार्च होता है और कुछ मात्रा में इसमें सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं, जिससे बच्चों को काफी एनर्जी मिलती है। तो बॉइल्ड पोटैटो भी लूज मोशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लूज मोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आप बच्चे को बॉइल्ड पोटैटो भी दे सकते हैं। जो अगली चीज है वो ये है कि इस टाइम में आप बच्चे को जो है चावल का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, आप बच्चे को सूप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ये सब जो है फायदेमंद होता है। आप बच्चे को जो एकदम लाइट खिचड़ी बना करके दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो है बच्चे आसानी से पचा पाते हैं, साथ ही बच्चे के शरीर को हाइड्रेशन मिलती है। जितना शरीर से पानी निकलता है उतना ज्यादा ये सारी चीजें जो है बच्चे को की शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। तो लूज मोशन के टाइम में ये सारी चीजें देना जो है अच्छा है। तो बच्चों को आप ये सारी चीजें दे सकते हैं। जैसे आप चावल का पानी देना है तो सिंपली जो है चावल को अच्छे से वॉश करके उसे जो है आप पानी में डाल दें, और उसे तब तक बॉयल करें जब तक चावल पूरी तरीके से गीला नहीं हो जाए, और उसके बाद जो उसका पानी होगा वो आप बच्चे को जो है ठंडा करके पिलाएं। इससे बच्चे को जो है बहुत राहत मिलती है, लूज मोशन को जो कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। उसी तरीके से आप दाल का पानी भी दे सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है ब्रेस्ट मिल्क। इस टाइम जो है ब्रेस्ट मिल्क जरूर देना चाहिए बच्चे को। वैसे तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो आप ब्रेस्ट मिल्क आराम से बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों के लिए जरूरी होता है। और ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चों को जरूर देना चाहिए। बहुत सारे मदर जो है वो फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देती है, लेकिन क्या है कि लूज मोशन के टाइम में जो है बच्चे को फॉर्मूला मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क थोड़ा हेवी होता है, तो बच्चे को पचाने में जो है फॉर्मूला मिल्क थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस टाइम जो है आप बच्चे को कुछ दिनों के लिए जो है फॉर्मूला मिल्क नहीं दे करके जो है बच्चे को जो है ब्रेस्ट मिल्क दें। ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा हेल्प करता है लूज मोशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेबी की बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बनाता है, जो बच्चे को ये सारे इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। तो बच्चे को जो है आप ब्रेस्ट मिल्क कभी भी नहीं रोके, हमेशा बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाते रहें। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तब तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हाइड्रेटेड होंगे वो ब्रेस्ट मिल्क से ही होंगे, क्योंकि उस समय तक बच्चे ना पानी ले रहे होते हैं ना ही कुछ एक्स्ट्रा चीज ले रहे होते हैं। तो फिर बच्चे को हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप बच्चे को जो है ब्रेस्ट मिल्क जरूर पिलाएं। ब्रेस्ट मिल्क आप ही दें, फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल अवॉइड करें इस टाइम में, क्योंकि इससे बच्चे को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप बच्चे को नारियल का पानी भी दे सकते हैं। नारियल पानी जो है ORS के बाद अगर कोई सबसे अच्छा चीज है जो बच्चे को हाइड्रेट करता है तो वह है नारियल का पानी। आप सिंपली बच्चे को नारियल पानी भी दे सकते हैं। जनरली ORS जो है ना बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, उनका टेस्ट बच्चे को पसंद नहीं आता है, तो उसके जगह पे जो है आप नारियल का पानी दे सकते हैं। आप सिंपली पानी भी दे सकते हैं, उसको अच्छे से बॉइल करके और उसको जो है बच्चे को समय समय पे पिलाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है लूज मोशन के टाइम में बच्चों का हाइड्रेट रहना, इसलिए जितना ज्यादा हो सके बच्चे को जो है आप पानी पिलाते रहें, बच्चे को हाइड्रेट रखें। और बच्चे को जो है लूज मोशन के टाइम में बहुत सारी चीजें आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे को खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इतना ज्यादा शरीर से पानी निकल जाता है कि बच्चे जो है बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, काफी वीकनेस उनको हो रही होती है। तो कभी भी अपने बच्चे को जो है जबरदस्ती नहीं खिलाएं, उनको जो है आप समय समय पर जो है ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और बच्चे को जो है हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
अगर आपका बच्चा एक साल से छोटा है और उसे लूज मोशंस की प्रॉब्लम है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अपनी डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही जो है होम रेमेडीज को अप्लाई करें। क्योंकि छोटे बच्चों के केस में क्या है कि लूज मोशन जो है वो कभी कभी बहुत सीरियस रिस्क हो सकता है अगर इसे सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जा सके। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो लूज मोशंस को लेकर के किसी भी होम रेमेडीज को ट्राई करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सजेशन जरूर लें। डॉक्टर आपको जो भी गाइड करते हैं उसे फॉलो करें और उसके बाद ही जो है होम रेमेडीज को जो है अपने बच्चे पर अप्लाई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।